Maybe some other. Yeah. One, two, three, action. क्या गलत किया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। गणेश उत्सव का मौका है, हर जगह धूम मची है, क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा के दर्शन कर रहा है। ऐसे में हम आपके लिए आपके सबसे चहेते कलाकार लेकर आए हैं, जो आजकल आपको शायद टेलीविजन पर नहीं दिख रहे, आप काफी ज्यादा मिस भी कर रहे थे, हमें काफी सारे कॉमेंट्स भी मिले। तो जी हाँ, आपके क्रिश और पायल यानी कि राघव ठाकुर जी और साक्षी शर्मा आज हमारे साथ मौजूद है टेली रिपोर्टर के ऑफिस में, और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। एंड वेलकम टू टेली रिपोर्टर चैनल। कैसा लग रहा है, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में, गणेश उत्सव कैसे मना रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके इतने टाइम बाद, और गणेश उत्सव ही मनाने आए हम यहाँ पे अभी, और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं और पप्पा से मिल रहे हैं। मतलब गणेश उत्सव तो बहुत अच्छे से मना रहे हैं। पिछले साल मनाया था हमने सेट पे, जो बहुत ही धूमधाम से हमने पप्पा का वो किया था, स्वागत किया था। बिल्कुल मेरी मतलब ऐसे शॉर्ट्स लिए थे, बेयर बॉडी शॉर्ट्स पे पप्पा को हाथ में लेके चल रहे हैं हम, इस टाइप का कुछ याद है ना, जिसपे मुझे मैं बीमार भी हो गया था, और कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऐसी शूटिंग चल रही थी, कभी अंदर जा रहा था एसी में और फिर थोड़ी देर बाद बाहर बारिश हो रही थी, तो ऐसा था, लेकिन कहीं जा नहीं पाया था। इस बार की खास बात ये है कि चलो समय है तो बहुत जगह जाके बहुत लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, और इस बार बहुत सारे पप्पा से मिल रहे हैं हम, बहुत सारे पप्पा तो एक ही है, उनके कई सारे रूप है अलग अलग, मतलब सब अपने अपने बप्पा के नाम रखते हैं अलग अलग। अच्छा, तो क्या रखा है यहाँ पे आपने अपने बप्पा का नाम? डेली बप्पा। पायल और कृष के बारे में तो बहुत सारी बातें होती रहती थी जब आपका शो चल रहा था, आज आप राघव और साक्षी के रूप में आए, तो डेफिनेटली मैं फैंस की तरफ से पूछना चाहूँगी, एज अ जर्नी की अगर हम बात की जाए तो कलर्स इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे बड़े बड़े फेस, बहुत ही वेल नोन एक्टर्स जो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका शो चल रहा है और 3 साल 4 साल से चल रहा है, उसके बीच में सुहागन जैसा शो एकदम स्टॉर्म की तरह आया और इतने नए कलाकार, इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हुई और इतना प्यार मिला, और बहुत कम ऐसा होता है कि जो दो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं, जैसे कि पायल से नफरत हो गई थी कुछ हाँ नेगेटिव हो जाती, बट फिर भी एज अ कपल हमेशा सिर्फ कृष और पायल को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, आप लोगों पर रील बनाए गए, आप लोगों के मीम्स बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें बनी, स्निपेट्स देखने को मिले, तो कैसी लगी या कैसी रही आपकी जर्नी, शुरुआत कैसी हुई? बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, मतलब फैंस ने इतना प्यार दिया हमें, एक्चुअली बहुत प्यार दिया कृष और पायल को, हमारे हैशटैग्स बने हैं क्रियल और आज भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो तक था, आज भी बनते हैं, आज भी लोग डालते हैं कि वी मिस यू ये वो, तो जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। मैं जानती हूँ हम लोग ऑपोजिट थे एक दूसरे के, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप थे, बट स्टार्टिंग जो हुई है ना वो ऐसी थी कि प्यार करते थे, और क्रिश तो पायल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, तो उसको नफरत बाद में हुई है, पहले तो उसको प्यार ही था, तो अब पायल को नहीं था, पर हाँ मतलब इसलिए। और अगर साक्षी और राघव की बात करी जाए तो दोस्त तो यार बने जाते हैं ना, वो सिर्फ कैरेक्टर में थोड़ी रह सकते हैं पूरा टाइम, बट हाँ बहुत ही प्यारी जर्नी रही है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि क्रिश जैसा, मतलब राघव जैसा को एक्टर मुझे मिला, मतलब हम लोग अगर हमारा जो कपल अगर इतना फेमस हुआ भी है वो हम दोनों की ही मेहनत है, अगर एक भी ऐसा होता कि एक की तरफ से वैसी मतलब आउटपुट नहीं मिल पा रहा है या वो रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है तो शायद हमारी वो केमिस्ट्री नहीं देखने के लिए मिलती, तो जहाँ पे क्रिश है वहाँ पे पायल थी और पायल थी तो क्रिश था, ऐसा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि बताया पायल ने, मतलब साक्षी शर्मा ने, मतलब हमारा तो ऐसा हो गया है कि मैं अभी भी पायल ही बोलता हूँ, मैं इसको पायल बोलता हूँ, हाँ मेरे दोस्त यार भी पायल बोलते हैं, मतलब कोई भी अगर पूछता है कि अरे वो कैसी है तेरी दोस्त, अरे वो पायल, तो पायल ही बोलते हैं वो ऐसे करके, तो मेरे भी मुंह से पायल ही निकलता है, कभी निकलता होगा साक्षी, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अरे साक्षी
साक्षी मतलब है ना, तो ऐसा, तो जैसा कि इसने बताया, सब कुछ बता ही दिया इसने कि उसमें क्या होता है, दोनों की मेहनत होती है। ये यही चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर को आर्टिस्ट अगर अच्छा हो, सामने से सपोर्टिव हो, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा परफॉर्म करोगे इसमें, है ना, वो केमिस्ट्री दिखेगी ही दिखेगी। तो जैसा, सब लोग अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा, एक साल काम किया हमने सुहागन में, और हम चाहते नहीं थे कि ये सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन खैर अगर ख़त्म हो गया तो आगे जल्दी कुछ नया सफ़र शुरू होगा, फिर से मिलेंगे आप लोगों को बहुत जल्द। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि शर्मा जी की बेटी रियल लाइफ में आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो एक दोस्त अगर एज अ फ्रेंड आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री, आप एक दूसरे को समझते हो, लाइक डिसलाइक, क्योंकि कंफर्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑन स्क्रीन अपने को एक्टर को, आपको वो फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो केमिस्ट्री बनकर नहीं आती। लेकिन कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पायल को तो क्रिश से बहुत प्यार था, लेकिन क्रिश ने एक मन बना लिया कि नहीं, अब मुझे सामने पायल की सच्चाई आ गई। लेकिन ऑन प्यार नहीं था, पायल को क्रिश की ज़रूरत थी पैसों के लिए। पायल पसंद करती थी, उसको अफेक्शन थी उससे, पर वो प्यार जो क्रिश ने किया था ना पायल से, वैसा प्यार नहीं करती थी। ऑब्वियसली जहाँ पे मोह हो किसी चीज़ का, पैसों का, तो वहाँ पे मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि वो प्यार है या नहीं। अगर पायल को मोह था पैसों का, तो शायद वो प्यार नहीं था, बट या जो भी था, चाहती तो वो क्रिश को ही थी अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच इतनी ऑनेस्टी के लिए, बहुत रेयर देखने को मिलता है अपने कैरेक्टर को भी लेके इतना ऑनेस्ट रहना। तो रियल लाइफ में इतने अच्छे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी आपने ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर कैसे प्ले किया कि मतलब सामने मेरी दोस्त खड़ी है बट मुझे वो दिखाना है, तो हाउ डिड यू मैनेज? ये चैलेंजिंग होता था, लेकिन होता क्या था, मतलब कई बार मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सच में लड़ाई कर लेता था। मतलब अगर कुछ ऐसा सीन है ना, तो हम लोग सच में आपस में बात नहीं करते थे। हाँ, सच में कुछ ऐसा कुछ बात नहीं करते थे कई बार, ऐसा अरे कई बार नहीं की ऐसे ही तो ऐसे ही होता था कि कई बार कि हाँ दूर दूर रहते थे, बात नहीं करते थे, या किसी बात पे कुछ ऐसा, तो मतलब वो अटेंशन जो होता है ना कि एक हाँ कि एक किसी को आप अच्छे से वो कर रहे हो, तो मैं दूर दूर रहता था और कोशिश करता था कि ऐसी कोई बात ना हो कि मन में नफरत ही ना आए किसी के लिए। और एक और बात बताती हूँ आपको, क्या होता था, जैसे ऑब्वियसली इसको नफरत हो रही थी मुझसे, मैं तो ऑब्वियसली पागल थी व्हाटएवर, बट इसको जब नफरत हो रही थी, तो जैसे मुझे अगर इसको थप्पड़ मारना है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है वो नकली में ही मारते हैं, एक्टिंग होती है, पर इससे अगर गलती से टच भी हो गया ना मुझे, तो ये ऐसे हो जाता था, सॉरी 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 कट के बाद, ठीक है, उस टाइम पे पूरा रहता था, पूरी एक्टिंग करता था, बट उसका सॉरी सॉरी तुझे लगी तो नहीं, बिकॉज एक्चुअली वो तो ऐसा समझ लो कि वो थोड़ी सी वो कुछ सेकंड का होता है, वो कुछ टाइमिंग का फर्क होता है, तो लाइक अगर आपने थप्पड़ मारा और वो तो उसमें दोनों की ही टाइमिंग होती है, वो हाथ की भी टाइमिंग होती है और वो उस गाल की भी टाइमिंग होती है। तो नहीं, गाल तो उसके गाल तो मार खाने वाले के होंगे ना। अगर आप लोग बोलो, इसकी गलती नहीं होती थी, एक्चुअल बात है, मैंने डर के मारे पहले ही कर देती थी यार। तो आप लोग बोलो तो एक बार डेमो हम कर लेते। बहुत दिनों बाद अच्छा, ओ ये तो मार देगी, क्या गलत किया? नहीं लगा
बट इट वॉज फन, बहुत मज़ा आता था. और जब ऐसे सीन्स होते थे तो बुरा लगता था, ऐसी बात नहीं है, बट जब हम एक्टिंग करते थे तब हम बिल्कुल सीरियस रहते थे कि हाँ आज नफरत करनी है, एक दूसरे से लड़ना है. इनफैक्ट जब हमारा पहला सीन था जिसमें हमने एक दूसरे पे चिल्लाना था, याद है ऊपर टेरेस पे फर्स्ट टाइम हम लड़े थे, जब मैं तुझे कुछ बोल देती हूँ कि हाँ भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, समथिंग 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 हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ था. एंड देन इट वॉज वेरी इंटेंस. एंड ऑब्वियसली जब आप फ्रेंड्स होते हो ना रियल लाइफ में, तो बाद में थोड़ा बुरा लगता था, यार बड़ी तेज़ चिल्ला ली. बट इट वॉज फन, मतलब बहुत मज़ा आता था हमें.